Hello friends, so in this video lecture we will discuss about lens. Okay, तो सबसे पहले lens होता क्या है? Lens जो ये चश्मे में लगा है वो lens. Example, तो lens लेकिन physics में ना ये exact definition होता है. तो lens एक ऐसा refracting medium, जो कि दो curved surface से बना होता है. Okay, हम दो दो लेंस पढ़ते हैं, एक कन्वेक्स और एक कनकेव. कन्वेक्स कनकेव अच्छा नहीं है. ओके, ऐसा कुछ होता है. जो कि एक रिफ्रैक्टिंग मीडियम है. ओके, जो कि दो कर्व सरफेस से कटा हुआ होता है. देखिए, अगर ये पहला इनिशियल शेप ऐसा था, अगर ये हम काट दे तो एक लेंस बन जाएगा. यहां पर सेम यहाँ पर ऐसा, अगर ये इनिशियल शेप था और अगर इसको काट देते तो दूसरा लेंस बन जाता. इसे क्या कहते हैं? कन्वेक्स लेंस. और इसे कनकेव, कन्वेक्स और इसे कॉनकेव लेंस ही. तो कन्वेक्स लेंस को कहा गया है कि ये कन्वर्जिंग लेंस है. भाई कैसे प्रूव कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस है? आता भी है वैसा क्वेश्चन. तो बोला गया कि लेंस जो है ऊपर और निचले पार्ट में दो दो प्रिज्म होते हैं, एक ऐसा और बीच में एक स्लैब. देखिए, अगर एक लाइट यहां से पास हुआ एंड वी नो दैट एक लाइट रे एक प्रिज्म के बेस की तरफ बेंड होता है तो ऑब्वियसली बेस की तरफ बेंड होगा. ये भी बेस की तरफ बेंड होगा और ये जुड़ेगा तो कॉन्वर्जिंग. ओके, इट मींस द लाइट रेज मीट. अब यहां लेंस कुछ ऐसा शेप का है, वो उल्टा रखा गया है यहाँ पर और यहां से उड़ा दिया. ओके, मुंडी को उड़ा के दिया. वाह, बिना मुंडी के भी बचा है. अब देखिए, कहां बेंड करता है? ऊपर. ये कहां? इधर. तो ये डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग. क्यों? क्योंकि प्रिज्म उल्टा है और ये प्रिज्म सीधा है. ओके, अब बात आता है इसका 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 की टर्म्स, मतलब क्या क्या चीजें हैं यहाँ पर. जहां पर ये लाइट रे मीट करता है ना उसे कहते हैं एफ टू. जहां पर ये लाइट रे मीट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एफ टू. कन्वेक्स लेंस में लाइट मीट करता है राइट की तरफ लाइट मीट करता है तो राइट में एफ टू. अब यहां लगता है कनकेव लेंस में लगता है कि यहां से लाइट आ रहा है, राइट यहां से लाइट आ रहा है तो एफ टू इधर होगा. अब ये एक्चुअल मीटिंग से नहीं हुआ है. ओके, यहां पर रोशनी की वजह से कुछ अच्छा से नहीं दिखा. यहां पर बना दे रहा हूं लेंस रीमेक पर फिर भी चलेगा. ओके, तो यहां पर लग रहा है कि लाइट रे यहां से आ रहा है तो ये F2, और यहां पर लग रहा है और यहां पर दिख रहा है कि लाइट रे मीट हुआ है तो यहां F2. इट मींस दैट इन अ कन्वेक्स लेंस द F2 विच इज आवर प्रिंसिपल फोकस इज इन द राइट, वेयर एज इन कनकेव लेंस द प्रिंसिपल फोकस इज इन द लेफ्ट. F2 होगा तो ऑब्वियसली F1 भी होगा. F1 इधर होगा, F1 इधर होगा. ओके, कुछ हैरानी की बात नहीं, F1 अभी पढ़ना नहीं है, बस F2. अब इसको और लंबा किया गया और यहां पर लिख दिया 2F2, और इसको भी इधर लंबा किया गया, यहां पर लिख दिया 2F1, twice of F2. यहां से यहां जितना लेंथ है उतना ही यहां से यहां होगा, twice of F2. यहां पर भी वैसा ही,
प्रेस एफ एफ ऑन सेम ईयर टू एफ ऑन ट्वाइस। तो बस इतना ही है। और एक बात बहुत याद करना, ये इसे किस पॉइंट को कहते, इसको कहते ऑप्टिकल सेंटर, इसे क्या कहते ऑप्टिकल सेंटर। तो भाई इसका क्या खास बात है, तो कहा गया अगर यहां से एक लाइट रे पास होता है, एक लाइट रे पास होता है तो वो डेविएट नहीं करता, इट वॉट डेविएट। सो व्हाट इज एन ऑप्टिकल सेंटर, एन ऑप्टिकल सेंटर इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, राइट, पढ़ा था हमने मिरर में, प्रिंसिपल एक्सिस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस थ्रू विच इफ अ लाइट पासेस देन इट विल पास अनडेविएटेड। बस इतना ही है। अब चलते हैं इमेज फॉर्मेशन, कैसा होता है इमेज फॉर्म, लेंस में इमेज फॉर्म होता कैसे। तो सबसे पहले पता तो कि थिक लेंस में इमेज मतलब हम फॉर्म नहीं करते, हम नहीं दिखाते, थिन लेंस पे दिखाते, ओके, सबसे पहला बात। क्योंकि क्योंकि ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, ये ऑप्टिकल सेंटर में डेविएट यहां से पास नहीं होता, पर अगर यहां से पास हो तो कुछ ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। तो इसी के कारण, इसके कारण हम थिक लेंस यूज नहीं करते, ये थिक है इसलिए यहां पर रिफ्रैक्शन हुआ, डेविएशन हुआ, तो हम थिक लेंस यूज नहीं करते। पर थिन लेंस में डेविएशन इतना कम होता है कि उसे नेग्लेक्ट कर देते, ओके, इट इज नेग्लिजिबल, द रिफ्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, डेविएशन रिफ्रैक्शन एंड डेविएशन इज नेग्लिजिबल। तो तीन प्रिंसिपल रेज है, थ्री प्रिंसिपल रेज। सबसे पहला लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पासेस थ्रू फोकस, ये एफ ए, ओके, कॉशन। दूसरा इसका ठीक वाइसी वर्सा, पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन लिखना पड़ेगा, पासिंग थ्रू फोकस, फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पी ए मतलब पर्सनल असिस्टेंट नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस। तीसरा पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर पासेस अनडेविएटेड, अनडेविएटेड मतलब डेविएट नहीं होता, इधर से उधर नहीं होता। तो ये थ्री प्रिंसिपल रेज है, किसके लिए, लेंस के लिए। तो चलो करते हैं, अब मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, ओके, दिखाऊंगा नहीं, बस यहां पर लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि यहां पर भी ट्रिक क्या है, ट्रिक होता क्या है। ऑब्जेक्ट, सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर, यहां पर इमेज थोड़ा रंगीन कर देना, इमेज, तो देखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा, इंफिनिटी, तो F2 में बनेगा, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में होगा तो F2 कन्वेक्स लेंस में बात करेंगे, ओके, 2F1 F1 F2 2F2 ऑप्टिकल सेंटर। और ऑब्जेक्ट कहीं इंफिनिटी में होगा तो कहां बनेगा, F2 में। अब सेकंड पोजीशन क्या है, बियॉन्ड F1, बियॉन्ड 2F1, बियॉन्ड 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 2F1 एक पोजीशन शिफ्ट होगा तो कहां बनेगा, बिटवीन F2 एंड 2F2। अब दूसरा पोजीशन क्या है, उससे तीसरा पोजीशन 2F1 एट 2F1 कहां बनेगा, एट 2F2। इसका मतलब यहां से एक स्टेप, एक पोजीशन आगे चलेगा, यहां से भी एक पोजीशन आगे चलेगा, ओके, यहां से एक पोजीशन आगे, यहां से एक पोजीशन आगे। अब अगर 2F1 और ये 2F2 में बना तो इमेज का साइज इक्वल होगा, तो इमेज का साइज इक्वल होगा, ये बात याद रखना है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिटवीन 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 क्या,
टू एफ वन एंड एफ वन कहां बनेगा? बियॉन्ड बियॉन्ड टू एफ टू, और दूसरा एट एफ वन, एट एफ वन ऊपर उधर इन्फिनिटी, अब वहां से कोई जगह ही नहीं है, पोजिशन ही नहीं है, तो इन्फिनिटी में। अब ये बात बहुत याद रखने की चीज है, ओके, बिटवीन 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 ओ एंड एफ वन, मतलब यहां आ गया तो क्या होगा? उधर कोई पोजिशन नहीं तो किधर बनेगा? ऑब्वियसली ऑब्वियसली पीछे की तरफ। मिरर में क्या हुआ था? मिरर में उस तरफ बना था, यहां पर जब यहां पर बना था तो इस तरफ बना था एक वर्चुअल इमेज, वैसा यहां पर भी पीछे की तरफ बनेगा क्या? वर्चुअल इमेज, ओके। तो बियॉन्ड इमेज मतलब ऑब्जेक्ट, बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पीछे डायरेक्ट, कभी एफ वन में बन जाता है मतलब एफ टू और एफ वन के बीच में, कभी यहां बन जाता है, तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऐसा ही लिखा होता है राइट, इन्फिनिटी यहां पर फोकस में बना, उससे एक स्टेप आगे, यहां से भी एक स्टेप आगे, यहां पर एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, फोकस इन्फिनिटी, बिटवीन बिटवीन एफ वन एंड ओ यहां पर कोई नहीं बचा क्योंकि इन्फिनिटी में चला गया था एफ वन में, तो पीछे आ जाएगा, ओके, तो पीछे आ जाएगा, तो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट, बस ट्रिक याद रखना है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज क्या है, वो है क्या, यहां से यहां तक इंफिनिटी तक रियल और इन्वर्टेड बनता है, रियल और इन्वर्टेड बनता है कन के कन्वेक्स में, ओके, कन्वेक्स में रियल और इन्वर्टेड बनता है। लेकिन ये जो बियॉन्ड ऑब्जेक्ट है ना, यहां पर क्या बनता है? वर्चुअल 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 एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होता है। ये बहुत याद रखना चीज है, ये यहां पर होता है, ये जो बनता है ना ये यहां पर होता है, बहुत 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 याद रखना चीज है, क्योंकि पूछा जाता है एग्जाम में भाई बोलो वर्चुअल इरेक्ट अगर कन्वेक्स लेंस में हो तो वर्चुअल और इरेक्ट कब फॉर्म होगा, तो कहेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, ओके। तो ये था लेंस की ओर से खत्म, बस इतना ही, ओके, चैप्टर इतने और इसका पोजिशन याद हो गया। अब साइज याद रखना है, साइज भी बहुत ईजी है, इन्फिनिटी इससे छोटा, इससे छोटा, जब एट एफ वन और एट एफ टू होगा ना, इसमें साइज मीडियम बनेगा, मतलब एक सेम साइज बनेगा, सेम साइज सेम होगा, यहां से ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, यहां तक क्या था? ये बड़ा था, ये छोटा था, ओके। तो यहां पर बड़ा बड़ा सेम, यहां से छोटा छोटा छोटा, छोटा छोटा सेम, बड़ा बड़ा बड़ा, बस यही है। सो दिस वॉज द ट्रिक टू लर्न द इमेज फॉर्म व्हेन द कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड, कनकेव लेंस में भी वैसा ही, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट फॉर्म होता है और सिर्फ दो ही पोजीशन है, ओके, कनकेव लेंस में सिर्फ दो ही पोजीशन है, बस इतना ही, थैंक यू।